हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एट इको पार्क कोलकाता। और यस फ्रेंड्स, जैसे मुझे याद आ रहा है कि हमने एक वीडियो किया था जिसमें उन्होंने इसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया था, तो तब मुझे बहुत ही सुंदर लगा था क्योंकि उन्होंने दिखाए थे कई सारे मॉन्यूमेंट्स जो सेवन वंडर्स थे उनका थोड़ा सा दिखाया था। तो मुझे हुआ था कि हाई ये और देखना है कि एक्चुअली में कैसे हैं, कैसा है ये एरिया। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जब हम गए थे लास वेगस तो वहां पे भी उन्होंने इस टाइप का बनाया हुआ है, पर इतना नहीं, मतलब ताजमहल तो नहीं था आई थिंक वहां पर, नहीं ना। वहां पे मेरे ख्याल से आईफिल टावर था और शायद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, ऐसे एक दो चीजें थी, पर सारे सेवन वंडर्स नहीं थे वहां पर। तो जब ये वीडियो पता चला तो मेरे को काफी टाइम से था कि ये वीडियो देखना है, तो इवेंचुअली हम इस वीडियो पे पहुंच गए, जिसकी मेरे को बहुत ही खुशी है। तो हम देखते हैं ये सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि इंडिया में है। सबसे खुशी की बात है कि इंडिया में है, तो कितना अच्छी चीज उन्होंने बनाई है कि आप इंडिया में ही सारे सेवन वंडर्स देख लो, और उसमें ताजमहल भी होगा फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। पर यस, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है आपने क्या करना है। यस, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट वीडियोस का जैसे हम उनको अपलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पहुंच गए हैं इको पार्क जो है न्यू टाउन राजाहाट में। ये पार्क मंडे को क्लोज रहता है और ट्यूसडे से सैटरडे तक दोपहर में 2:30 बजे खुलता है ये पार्क, और संडे को 12 बजे से खुलता है। बहुत सुंदर लग रहा है। इको पार्क में बहुत कुछ मिलेगा आपको करने के लिए और देखने के लिए, जैसे टॉय ट्रेन, साइकिलिंग, डुओ साइकिलिंग, ई बाइक, इको कार्ट, पैडल बोटिंग, ये सब। ये पार्क डिवाइड किया गया है अलग अलग हिस्सों में, जैसे बैम्बू गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, फ्रूट गार्डन, मास गार्डन, रोज गार्डन, टी गार्डन, ये सब। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इधर जाने के लिए अलग से एंट्री टिकट आपको लेना पड़ेगा जो कि प्राइस्ड है 30 रुपीज पर पर्सन। कुछ भी नहीं है। फर्स्ट में है कोलोसियम, जो रोम में सबसे बड़ा एम्पी थिएटर था और अभी भी वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट थिएटर है। सुंदर बनाया है। उसके बाद है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एक टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे दीवार बनाया गया था चीन को एनिमी अटैक से बचाने के लिए। बाद में वो सब दीवार जोड़ के बनाया गया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बहुत अच्छा बनाया कि अंदर पूरा तुम आप देख सकते हो, जैसे रियलिस्टिक, खाली नहीं कि बाहर से खाली वॉल एक बनाती। ओ ताजमहल सुंदर है। इसके बाद है ताजमहल जो है आगरा में। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के याद में ये मकबरा बनाया था। ये है पेट्रा जो है जॉर्डन में। ये एक रॉक आर्ट आर्किटेक्चर में बनाया गया है।
रेनबो दिख रहा है, ब्यूटीफुल। और ये है ईस्टर्न आइलैंड में बनाया गया कुछ स्टैचू जिसे मोआई कहा जाता है। और अभी अभी एक स्पेशल चीज हम लोगों ने नोटिस किया वो है ये रेनबो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो में रेनबो देखा तो कमेंट करना #rainbow। अब ये है क्राइस्ट द रिडीमर जो है 98 फुट का एक स्टैचू जो ब्राजील में रियो द जेनेरो में है। लग रहा है और रश भी नहीं है इतना। नहीं तो इतनी सुंदर जगह भरी होनी चाहिए। और लास्ट में है इजिप्शियन पिरामिड जो है इजिप्ट के कायरो शहर में। रियल पिरामिड्स में जा सकते हैं ऐसे अंदर। क्या है वो? वाओ यार, वॉल पे बनाई है। बहुत ही रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की है इन्होंने, बहुत ही सुंदर बनाया है। ये कुछ कुछ उस टाइप से लग रहा है जैसे हम डिज्नी वर्ल्ड में गए थे ना, तो वहां पे भी जो उन्होंने एरिया बनाया था। वाओ, मम्मी ने रखा हुआ है, वेरी नाइस। वेल मेंटेन्ड है। वाह, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वो क्या है जिसमें कलरफुल लाइट्स लगी हुई है वहां? बहुत सुंदर लग रहा है। शाम को इको पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन भी देखने के लिए मिलेगा जो कि शुरू होता है 7:45 बजे से और उसके बाद अलग अलग शो टाइम होता है। गुड, नाइस। जैसे लास वेगस में भी होता और वहाँ पे दुबई में भी होता ना, वैसे ही है। वाह, नाइस। कैसे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं, है ना? रात है तो पूरा दिख नहीं रहा। उसका क्या, जैसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी करना है। वैसे लग रहा है वैसे इंडिया का फ्लैग है वहां पर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर जगह है नो डाउट। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो इंडिया में है, तो अब ये नहीं कि भाई आप
को कुछ ये देखना है तो आप बाहर जाओ जी इंडिया से देखने, इंडिया में ही है। और जो उन्होंने फाउंटेन दिखाया उससे तो ऐसे लग रहा है इट इज एट पार विद जैसे यहाँ पे जो फाउंटेन शोज होते हैं लास वेगस में, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने किया हुआ था। तो काफी अच्छा लगा। और मैं तो कंपेयर कर रही थी क्योंकि हम अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही गए थे डिज्नी वर्ल्ड, तो वहां पे भी इन सब चीजों काफी चीजें थी, तो उनसे कंपेयर कर रही थी। और जैसे उन्होंने पिरामिड बनाया हुआ था बिल्कुल उसी टाइप से डिज्नी वर्ल्ड में था, और ऐसा ही उस टाइप का आउटलुक था। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बनाई है इन्होंने, इतना अच्छा दिया है एक चीज इंडिया के लोगों के लिए कि आप जाओ वहां पे और ये सब चीजों को देखो, मजे करो, फोटोज लो। और बहुत वेल मेंटेन्ड था, बहुत ही अच्छा। वो कह रहे काफी मुझे लग रहा है बड़ा है और उसमें बस ये एक पोर्शन है जिसकी अलग से टिकट है। और अमेजिंग बात है कि टिकट का प्राइस भी इतना हाई नहीं है ताकि कोई भी नॉर्मल पब्लिक वहां पे जाके इंजॉय कर सकती है। ये सबसे अच्छी बढ़िया बात है कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है ये अपने बच्चों को या खुद जाके देखने के लिए। तो बहुत ही सुंदर था, वाह बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगर कोलकाता गए तो ये तो डेफिनेटली देखना बनता है। सो काफी अच्छा वीडियो था और काफी मेहनत की है रिप्रोड्यूस करने में, स्मॉल स्केल में उन्होंने जो ओरिजिनल चीज है, जो ओरिजिनल चीज को रीमेक किया है छोटे स्केल पे, मगर करेक्टली पोर्ट्रे करने में काफ़ी मतलब एफर्ट लगा होगा पूरा। और ये भी अगर देखें मैं तो ये अच्छा लगा था कि अगर आप पिरामिड के अंदर जाएं तो उन्होंने पूरे फैरोस की जो भी पेंटिंग्स हैं वो सब रखी हुई हैं। और ये सही है कि कई काफ़ी हद तक इजिप्ट खुद ही बेचता है बनी बनाए रॉक्स के स्लैब्स, तो आप ऑर्डर करें अपने घर में, जैसे इन्होंने ऑर्डर करे होंगे वहाँ से लगा दिए होंगे। ये कम चांस होगा कि इन्होंने खुद पेंट किया, मुझे लगता है कि बाहर से मंगवा के इंस्टॉल किया है। और मम्मी भी जो दिखाई थी वो सिमिलर है, जो यूएसए में भी आप म्यूजियम में जाए आपको सिमिलर मम्मी, वो सब इजिप्ट बनाता है। और लोग मुझे तो लगता है इंडिया ने खुद बनाई होगी, हो भी सकता है, इतना टैलेंट है जो इंडिया में ताजमहल और इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। मुझे तो मतलब ये टैलेंट की बात नहीं, ये एक्यूरेसी की बात है किस तरीके से इजिप्शियन पेंटिंग्स हैं। तो यस, उसको कॉपी करके कोई बना सकता है या वहीं से ही ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा दिखाया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब हर चीज छोटे स्केल में थी मगर आपको आइडिया आ रहा था, रियलिस्टिक लग रही थी। हाँ। जैसे आप कोलोसियम है, कोलोसियम का पूरा अंदर से बना रखा था कोलोसियम, तो उसमें भी काफी मतलब उन्होंने इन द सेंस की स्केल को छोटा किया है मगर इट इज इन द राइट प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन सही है मगर छोटे स्केल किया है। और वो बहुत अच्छा लग रहा था कोलोसियम, वो बात अलग है कि अभी मतलब आपको टूटा हुए भी पार्ट्स दिखाएंगे तो इन्होंने पूरा बनाया कोलोसियम, बहुत अच्छा दिखाया था। तो काफ़ी जनरल नॉलेज मिल जाती है, जैसे कोई इंसान यहाँ जाता है वो देखता है तो पेट्रा दिखाया था, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं, और रियो का जो दिखाया था स्टैचू, सो ऑब्वियसली जो जा रहा है उसकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ रही है, वो चीज़ें देख रहा है और समझ रहा है। और एज गुड एज मतलब इट इज नॉट एज गुड एज कि आप एक्चुअल जगह जाएं मगर आपको काफी कुछ पता चल गया कि ठीक है ये स्टैचू है वहां थोड़ा बड़ा होगा, अब ये देख रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थोड़ी बड़ी होगी मगर अंदर से ऐसे लगेगा, अब पिरामिड में जा रहे हैं तो अंदर से ऐसा पिरामिड फील तो आ रही है ना कि कैसा होगा वो, मतलब काफी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल जगह होके आए। और सिमिलर आपको लगता है जब आप वेगस जाते हैं, वेगस में भी कई जगह ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फाउंटेन्स हैं चीजें, और दूसरा वेगस के अलावा आप डिज्नी में भी जाते हैं तो डिज्नी में भी आपको जो स्मॉलर सेट नजर आते हैं आपको ऐसे लगता है कि जो ओरिजिनल के इक्वल ही है। तो काफी मतलब उन्होंने आपको उस टाइप का एनवायरनमेंट दिखाने की कोशिश की, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीज है कि इन्होंने बनाया है और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों की आइए देखिए। उसे ये भी हो सकता है कोई इंसान आके कहे अरे भैया मैं एक दिन यहाँ जाऊंगा, अगर किसी को पसंद है तो अल्टीमेटली वो फिर ट्रैवल करेगा वहां पे जस्ट बिकॉज उसने यहाँ देखा था। तो काफी बढ़िया वीडियो था। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा, खासकर आजकल के टाइम में जहां कहीं बाहर निकल नहीं सकते तो इस वीडियो से ही आपको ऐसे फील होगा जैसे हमने खुद ही घूम लिया, थोड़ी देर बाहर चले गए। तो काफी मजा आया देखने में ये वीडियो, और बहुत ही सुंदर जगह थी, डेफिनेटली बनता है वहां जाके इन सारे मॉन्यूमेंट्स को देखना, इस पार्क को एंजॉय करना। तो चलो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।